wish I found some better sounds no one's ever heard. Hey, what's up guys, I'm Akash and you're watching Akash Talks. So yaar bahut din video nahi aa raha tha. Pehla iska reason hai ki mera exam chal raha tha, maine aapko bola hi tha. Aur yaar aapne se bahut logon ne mujhe comment kiya tha ki bhai kab naya video aayega, bhai bahut der ho raha hai ya fir bahut time aap regularly videos upload karo. To yaar first of all main bhi aap logo ki tarah student hu, to mera bhi aisa tuitions ya fir exams sab kuch hai. तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है. तो यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा आज ही एग्जाम था सुबह को, मैं अभी दोपहर को है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ. वो फिर टेरिस पर अगर आप देख सकते हो मेरे, ये मेरा टेरिस है. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आज का वीडियो का मेन मकसद है कि बहुत सारे लोगों का एक सेम क्वेश्चन है, या फिर मेरे को कॉल मी अटेंड ने भी ये क्वेश्चन किया था. तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो ये मैं एक बोला था कि मैं एक डिफरेंट वीडियोस बना के इसका आंसर देने वाला हूँ. तो ये वही वीडियो है. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि लास्ट पोल जो मैं किया था, लास्ट पोल में आप में से बहुत सारे लोगों ने, तो उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ योर एम, या फिर आप कितने एम कर रहे हैं अपने ICSE के लिए. तो उधर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम एम कर रहे हैं 95%, कुछ लोगों ने बोला था कि हम एम कर रहे हैं 90%, या फिर मैं चारों ऑप्शन दिया था. तो 50% लोगों ने बोला कि हम एम कर रहे हैं 95%, जो कि बहुत ही अच्छे हैं. और कुछ लोगों ने बोला हम एम कर रहे हैं 90 के अबव. तो यार मेरे ये दोनों आंसर बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि इससे जो और भी दो पोल था वो बहुत खराब था या फिर कम परसेंटेज था. तो यार अगर कोई भी हेल्प लगे या फिर आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है मेरे चैनल देखकर, तो बहुत ही मेरे से प्लीज़ मेरे को एक कमेंट कर दो कि तुम्हारा हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और जो लोग 90 या फिर 95% के पोल में दिए थे, तो वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तुम्हारा एम वैसे करो और वैसे बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है. ठीक है, तो यार आज का वीडियो का पहले मैं पोल करता हूँ. तो आज का वीडियो का मेन पोल है कि क्या मैं कंपेरिजन वीडियो अगर बनाऊँ तो क्लास 10 एंड क्लास 12 का बुक्स को लेकर, तो क्या आप वो देखना पसंद करेंगे. तो ऊपर जो पोल आ रहा है उधर जाकर आप, या फिर कार्ड्स में जाकर आप पोल करो या फिर आपका राय दो. और कमेंट्स में भी बताओ कि क्या तुम लोग क्या कमेंट्स में नीचे जाओ, उधर जाकर भी बोलो कि अगर मैं वैसे कुछ वीडियो करूँ, सपोज ये क्लास 10 का फिजिक्स है या क्लास 12 का फिजिक्स है, तो डिफरेंस या फिर क्या क्या चीज़ तुमको और करनी है, तो क्या अगर मैं वैसे ही टाइप का कॉम्पिटिशन वीडियो बनाऊँ तो क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे. प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स पर बताओ यार. ठीक है, तो यार आज का वीडियो का मेन टॉपिक है कि मेरे को जो कमेंट किया था कि अगर हम अभी पढ़ रहे हैं ICSE स्कूल में, और मेरा मन है कि मैं साइंस लेकर पढ़ूँ, या फिर मेरा ये बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, या फिर मेरे को मेडिकल में जाना है, या फिर मेरे को और बहुत सारे कुछ करना है. तो मेरे को मेन है कि मैं क्लास 11 से साइंस लेकर पढ़ूँ, तो क्या मैं ICSE स्कूल में ही पढ़ सकता हूँ या फिर ISC स्कूल में पढ़ सकता हूँ. क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक र्यूमर है, ठीक है, कि ICSE एंड CBSE अच्छा होता है, ISC बुरे होते हैं, वैसा कुछ नहीं. 2018 से 2017 से दोनों बोर्ड्स का कंप्यूटर सिलेबस या फिर पूरा साइंस का सिलेबस या फिर बहुत सारा सिलेबस पूरा एक हो गया है. ठीक है, थोड़ा इंग्लिश का बहुत डिफरेंट है, ISC स्कूल में थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू CBSE स्कूल, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कंप्यूटर पूरे ही सेम है. तो CBSE के स्कूल में होता है आपका कंप्यूटर मेरे ख्याल से C++, और ISC स्कूल में आपका होता है जावा. ठीक है, जो आप अभी कर रहे हो. तो यार डिफरेंस वैसे यही सारा डिफरेंस है, और ये एक र्यूमर है कि ऐसा कुछ ये पहले था. ठीक है, पहले था अगर CBSE में पढ़ोगे तो अच्छा तरीके से उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, बट अभी तो दोनों का सिलेबस इक्वल हो गया है. ठीक है, दोनों का सिलेबस इक्वल हो गया है, तो यार ऐसा कुछ टेंशन करने की बात नहीं है. तो यार कॉल मी योर डैडी, आपने जो कमेंट किया था मैं आपका आंसर दे दिया, और बहुत सारे लोगों का भी सेम क्वेश्चन था. तो फिलहाल तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं वीडियो इधर खत्म करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो का कंप्यूटर के ऊपर, टिल देन स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. टिल देन गुड बाय.